अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, लखनऊ में विशेष आपकी अदालत के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। आज के वक्त हर कैमरा जिस पर फोकस करना चाहता है, आज के वक्त हर माइक्रोफोन जिसकी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता है, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जिससे हर सवाल का जवाब चाहती है। मुझे याद आ रहा है वो गाना जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और आपकी अदालत में ये मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, हम एक नजर डालेंगे अखिलेश यादव के पॉलिटिकल करियर पर। अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का चेहरा है। मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, राम गोपाल और शिवपाल के भतीजे हैं। इन सारे इंट्रोडक्शन के फायदे भी हैं, नुकसान भी। 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। आजादी के बाद इतनी कम उम्र में सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालने वाले वो पहले नौजवान नेता हैं। अखिलेश को भरोसा है कि उनकी योजनाएं, उनका काम जनता का भरोसा जीतेंगी। वो सिर्फ विकास को मुद्दा बना रहे हैं। स्टूडेंट्स को लैपटॉप, बेरोजगारों को भत्ता, लड़कियों को साइकिल, किसानों को मुआवजा, बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन, मिड डे मील में बच्चों को दूध, ये सारी ऐसी योजनाएं थीं जिनके जरिए अखिलेश ने आम लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। इसके अलावा कई शहरों में मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तमाम सड़कें, बिजली उत्पादन के प्रोजेक्ट लगाकर अखिलेश यादव ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया। अखिलेश चाहते हैं कि इलेक्शन में उनके काम को देखा जाए, विकास के इश्यूज पर बहस हो, लेकिन मुलायम सिंह जानते हैं कि यूपी में सिर्फ विकास की बात करने से काम नहीं बनेगा। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखना होगा, धार्मिक आधार पर वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठेगा। अखिलेश इनका मुकाबला कैसे करेंगे, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप है कि इन्होंने अपने परिवार में झगड़ा करा दिया। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी के परिवार में हर शख्स परेशान सा क्यों है और अखिलेश के घर में हर नेता हैरान सा क्यों है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, और जिस समय आपने ये पहली बात कही कि मैंने परिवार में झगड़ा लगाया, न केवल मैं मुस्कराया, इस हॉल में जितने लोग हैं सब मुस्कराए। और ये जितने लोग मुस्करा रहे हैं वो आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो इन सब लोगों से मैं पूछूंगा कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देखिए, सवाल ये कि गम तो सबको होता है, सवाल इसके ज्यादा जवाब ये होना चाहिए कि गम कौन छुपा लेता है। ये गम छुपाने की भी आदत आनी चाहिए लोगों में, और जो गम नहीं छुपा पाते उसी का झगड़ा है सब। अखिलेश जी, चाचा शिवपाल ने आपके मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया और आप कह रहे हैं कि कोई गम नहीं है। वो अच्छा कहा आपने, कहा कि चाचा हैं, तो मैं उनको चाचा मानता हूं, मैंने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया। और उन्होंने पार्टी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस पर विचार करेंगे। उनके पत्नी और बेटे ने भी सब पदों छोड़ दिए, उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे। और लोग कह रहे हैं कि
सपा की मजबूरी है, शिवपाल जरूरी है। ये तो अच्छी बात है कि अगर नेताजी भी हों, चाचा और हम भी हों, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अब ये बताइए कि झगड़ा क्या हुआ? कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? मैं ये कह सकता हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है, नाराजगी हो सकती है, कोई बात ऐसी हो जिसका जवाब मुझे देना पड़े, या मैं समझता हूँ जिसमें मैं उन्हें बताऊंगा तो शायद वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। आज एक अखबार में मैंने पढ़ा कि कल रात को जब आपकी मीटिंग हुई शिवपाल जी के साथ, तो आपने कहा कि चाचा सब कुछ ले लो, लेकिन उसके बाद भी चाचा नहीं माने। देखिए, जो बात मेरी और चाचा की हुई वो आप कोई नहीं जान सकता, और मैं समझता हूँ ये बात चाचा भी जानते हैं कि मेरी उनकी जो बात हुई है उसमें किसी पे कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी भी नहीं है, अगर झगड़ा भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको नाराजगी लग रही है, आपको झगड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे और चाचा को नहीं लग रहा। हो सकता है मैं रात में मिला हूँ, हो सकता है मैं आपके कार्यक्रम के बाद फिर मिलूँ चाचा से। देखिए, आपसे वो मिल के गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया, तो इसको क्या प्यार मोहब्बत कहेंगे? देखिए आप, मैं समझता हूँ ये ज़माना आजकल मोबाइल का भी है, व्हाट्सएप का भी है, मेल का भी है। मुझसे जिस वक्त मिले थे 8:30 बजे और इस्तीफा दिया उन्होंने रात में, इस दौरान व्हाट्सएप किसका आया होगा, फ़ोन पे किससे बात हुई होगी, ये जो बीच का आदमी है, मैं आपसे की इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं नेताजी से मिलता हुआ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सवाल करेंगे मुझे, पूछेंगे मुझसे, इसलिए मैं नेताजी को बता के आया हूँ कि आप और हम मिलके अगर कोई बीच में आएगा उसको बाहर निकाल देंगे। आप कह रहे हैं कि कोई आउटसाइडर है, कोई बीच में है जो परिवार का आदमी नहीं है। मैंने कहा आज नेताजी से कि नेताजी हमारे आपके बीच में और पार्टी के बीच में, परिवार के बीच में अगर कोई आएगा तो उसके खिलाफ हम और आप मिलकर के कार्रवाई करेंगे। अब ये जो बीच का आदमी है उसको सोचना पड़ेगा कि किसके बीच में आना है उसको। लेकिन शिवपाल जी तो कल कह रहे थे कि कोई आउटसाइडर नहीं है। वो मेरे चाचा हैं, शिवपाल चाचा तो मेरे चाचा हैं, और जब नेताजी से बात हुई है तो मैं समझता हूँ जब फैसला नेताजी ने ले लिया कि बीच के आदमी को नहीं आने देंगे। तो कौन है ये बीच का आदमी? ये तो आपको भी खोजना पड़ेगा। और मैं तो आदरणीय आजम खान साहब की बात कहूँगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? देखिए, इतनी बात हुई है और कई दिन से बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि कोई आउटसाइडर है, राम गोपाल जी भी कह रहे हैं कोई आउटसाइडर है, लेकिन नाम लेने से कतरा रहे। नाम कोई नहीं ले रहा, वही तो मैंने कहा, कहावत आपके सामने की मैंने, और कहावत के बाद सब समझ गए होंगे कौन है आउटसाइडर। मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं वो बात। देखिए, शिवपाल जी की अमर सिंह जी से दोस्ती कोई नई तो नहीं। ये नाम क्यों ले आए आप? मेरे नाम तो आप लेके आए हैं। देखिए, कब तक इशारों इशारों में बात करते रहेंगे? हाँ, ये बात भी ठीक है, इशारे की बात खत्म हो, सीधी बात हो जाए। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो कोई नई बात नहीं है, तो काफी पुरानी दोस्ती है। किसकी? अमर सिंह जी की और शिवपाल सिंह जी की। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तभी मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, मोबाइल फोन पे क्या हो रहा है, इसकी छानबीन मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये तो पता है कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को शिवपाल जी का आदमी माना जाता है, आपने एक झटके में उनको उड़ा दिया। देखिए, आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा समझते होंगे, और ब्यूरोक्रेसी में कम से कम इतनी तो वफादारी है कि जो बनाता है उसका वफादार वो हो जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि दीपक सिंघल चीफ सेक्रेटरी थे मेरे, वो क्योंकि चाचा के साथ भी काम कर रहे थे, काफ़ी वर्ष उन्होंने काम किया, ये चाचा भी जानते हैं कि किसने उनको हटाया है, और मैं भी जानता हूँ कि बात चाचा जानते हैं कि दीपक सिंघल कैसे हटे। तो हमें भी बता दीजिए किसने हटाया। तो यही तो राज है, यही राजनीति है। देखिए,
उनको हटाने को लेकर के दो तीन तरह की चर्चा हुई। एक चर्चा तो ये हुई कि वो अमर सिंह जी के डिनर में गए थे और आपने मना किया था सबको वहाँ जाने के लिए, तो वो आप चले गए, डिफाई किया तो उनकी छुट्टी कर दी आपने। ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि चाचा को इस बात की जानकारी है कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंगल कैसे हटे। दूसरी चर्चा ये हुई कि वो उस डिनर में गए थे अमर सिंह जी के डिनर में, वहाँ उन्होंने आपके बारे में कोई अवांछित बातें कह दी, ऐसी बातें कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपने, हो सकता है दीपक सिंगल ने नहीं कहा हो, दीपक सिंगल से किसी और ने कहा हो, ये बात हो सकती है। अब देखिए, जब मैं आपसे इतनी साफ साफ बात करूँ तो आप भी साफ साफ बता दीजिए। क्योंकि मैं दावत में नहीं था, इसलिए मैं तो कान की सुनी हुई बात कह सकता हूँ। मैं तो कान से देख रहा हूँ, मैं आँख से तो नहीं देखा। तो क्या सुना आपने? मुझे जो आप मुझे जानकारी दे रहे हैं कि किसने क्या कहा, दीपक सिंगल क्यों हटे, इसकी जानकारी चाचा को है। चाचा ये बात जानते हैं कि दीपक सिंगल कैसे हटे। तो ये कोई सीक्रेट तो नहीं है ना, जो चाचा जानते हैं तो वो जनता भी जान ले। मैं समझता हूँ चाचा को बताना चाहिए ये बात। तो फिर चाचा जी का बुलाना पड़ेगा उन्हें यहाँ। वो शायद मेरे जाने के बाद डेढ़ घंटे बाद आ रहे हैं आपके पास। तो आपके पास पूरी जानकारी है। और जिन मंत्रियों को हटाया उनको लेकर बहुत चर्चा है, गायत्री प्रजापति, राजकिशोर। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेताजी को जानकारी है, चाचा को जानकारी है वो कैसे हटे। ये स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ने हटाया उन्हें, लेकिन चाचा को इस बात की जानकारी है कि कैसे हटे। देखिए, अब तक तो आप ये कहते आए हैं कि जो कुछ होता है पार्टी में वो नेताजी के कहने से होता है, मुलायम सिंह जी के कहने से होता है। मैंने ये भी कहा कि हाँ, नेताजी के कहने से मैं कुछ फैसले लेता हूँ, और मैंने ये भी कहा कि कई बार कुछ फैसले मैं भी लेता हूँ। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? तो इनमें से कौन सा फैसला है जो आपने लिया? ये तो आपको जानकारी करनी पड़ेगी इसमें मेरा फैसला कौन सा है। देखिए, लग तो ये रहा है ना कि आपकी वजह से ये सारा झगड़ा हो रहा है परिवार में। मेरी वजह से नहीं हो रहा है झगड़ा, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है लगता है। आपको लगता है कि कोई आपकी कुर्सी लेना चाहता है? देखिए, जहाँ जो पहुँचता है, मैं समझता हूँ जनता के लिए जो काम किया है हम लोगों ने, और जनता के बीच में जब उन कामों को लेकर के जाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद जनता हमें दोबारा फिर भेजेगी। देखिए, जनता में तो अखिलेश जी संदेश ये गया कि मुलायम सिंह जी के परिवार में, अखिलेश यादव के परिवार में, रामगोपाल यादव के परिवार में, शिवपाल यादव के परिवार में झगड़ा हो रहा है, और ये सत्ता का संघर्ष है, वर्चस्व का संघर्ष है। मैं समझता हूँ ये लोग बाहर से देख रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जान रहे हैं, सच्चाई में कोई झगड़ा नहीं है। नेताजी जो कह देंगे और नेताजी का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। देखिए, मजाक की तो बात अलग है, गंभीरता से अगर कहें तो जिस तरह से शिवपाल जी ने इस्तीफे दिए, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया, पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इसको तो नहीं कह सकते कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर कोई बात होगी तो उसके लिए नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नेताजी पिताजी भी मेरे हैं, उनके भाई भी हैं, तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं समझता हूँ नेताजी उसका रास्ता निकालेंगे। नहीं, नेताजी जरूर रास्ता निकालेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने बार बार कोशिश की, उन्होंने तो अगस्त में भी एक रास्ता निकाला था, सबको बिठाया था, फिर से झगड़ा हो गया। अब मैंने सुना है कि रामगोपाल जी नाराज़ होकर के सैफ ही चले गए हैं। नहीं, वो नाराज़ नहीं है, मेरी उनसे बात हुई, वो नाराज़ किसी बात को लेकर के नहीं। तो कौन नाराज़ है? ये मैं भी सोच रहा हूँ कौन नाराज़ है, कोई नाराज़ नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई नाराज़ नहीं है, किसी का कोई झगड़ा नहीं है? ये कहा जा सकता है कि नेताजी अगर कहीं किसी तरह की बात है तो मैं समझता हूँ नेताजी का सभी कहना मानेंगे, और नेताजी के सामने जब बात आएंगी तो रास्ता निकल जाएगा, अगर किसी के प्रति किसी को नाराज़गी है तो। लेकिन जो बात मैंने आपसे कहा शुरू में कि बीच के इंसान को अब नहीं आने देंगे, ये बीच के लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। कितने लोग हैं ये बीच वाले? कभी अब एक भी हो सकता है। तो क्या करेंगे ये बीच वालों का? मैंने आपसे कहा कि नेताजी और हमने अभी मिलकर के फैसला किया है, बीच के लोगों को नहीं आने देंगे। तो ये जो आप इस वक्त बता रहे हैं, इसको सब लोग बहुत बड़ी खबर मानेंगे
कि नेताजी और आपने मिलकर फैसला किया है कि बीच वालों को बीच से हटा देंगे। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि जब मैं आपसे पहले मैंने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं नेताजी से बात करके पहले आया हूँ। तो जब आप बीच वाले को हटाने की बात करेंगे तो चाचा जी बीच में नहीं आ जाएंगे? अब वो मेरे चाचा हैं और नेताजी के भाई हैं, तो दोनों का तो कहना मानना पड़ेगा उन्हें। देखिए, कल रात को उनके घर के बाहर जो नज़ारा था वो देखने वाला था। बहुत सारे आपकी सरकार के मंत्री थे, बहुत सारे पब्लिक के लोग थे, और लोग कह रहे थे कि चाचा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिवपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार ऐसे लोग भी जाते हैं, नारा लगवाते हैं और फिर खुद ही हट जाते हैं वहाँ से, इसलिए राजनीति में थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन बातों का भी। और आपका घर तो बिल्कुल बगल में है, कुछ आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची होगी, कुछ नारे आपके खिलाफ भी लगाए गए? अक्सर जब ऐसी बातें हों तो मैं हेडफोन से गाने सुनने लगता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, प्रभु समाज के लोग हैं, अगर इनमें से कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की जो परिस्थिति है और आपका जो आज आपने स्टैंड लिया है, वो अगर आप 4 साल पहले लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता? 4 साल तक काम करते रहे हम लोग और लगातार काम किया। मान लीजिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि सड़क बनाई हमने एक्सप्रेस वे, और देश में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी सड़क बनाई हो तो मुझे बता दे कोई। एक्सप्रेस वे बन रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ज़मीन लेनी पड़ी, ज़मीन के बाद जो तमाम चीज़ें होती हैं उन सड़क को पूरा करने के लिए वो किया हम लोगों ने। मेट्रो बनाने का काम, वो कम से कम ये रिकॉर्ड काम कर रहे हैं कि कम से कम लखनऊ में जो मेट्रो बने वो देश में उदाहरण बने कि लखनऊ में जो मेट्रो बनी वो सबसे कम समय में बनी, कम वक्त में बनी। आपके लखनऊ में मान लीजिए CGCT बना दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट आ रहा है, न जाने कितने लोग हैं इलाज कराने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, महंगा इलाज है, नहीं करा सकते, तो कम से कम कैंसर इंस्टीट्यूट जल्दी बन जाए। SCL है मान लीजिए, शिव नाडर साहब नोएडा से बाहर नहीं जाना चाहते थे, हमने उनसे कहा कि आप नोएडा से बाहर आइए, लखनऊ में आए, कम से कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी जा रही है। लैपटॉप बांट के दिखा दिए, मुझे कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दो कि जिसने 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक लैपटॉप बांटने का काम किया हो, और कम से कम वो लैपटॉप बांटे हैं। आज भी अगर जाएं किसी गांव में पूछें जा करके तो शायद आज भी लैपटॉप ख़राब नहीं हुआ। ये बात अलग है कि हमारी समझदारी है कि जो इंतज़ाम उसमें किया है, आज भी लैपटॉप खोलेगा तो मेरा और नेताजी का तस्वीर उसमें दिखाई देगा। तो ये लैपटॉप बांट दिए, हमारी जो जिम्मेदारी थी जनता के बीच में जो हम कह करके आए थे कि हमारा घोषणा पत्र पूरा हो, घोषणा पत्र लागू हो, कल को आप ही मुझसे कहते कि बताइए 4 साल आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए कम से कम समाजवादी सरकार ने और समाजवादी लोगों ने उदाहरण पेश किया है, तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर करके काम कैसे पूरा हो, घोषणा पत्र जो नेताजी ने बनाया था उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में कैसे लागू करें। आज मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार के कामकाज का और जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही बीजेपी के लोग, उसमें तुलना कर लें, और जिनको हम अब नहीं कहते, पहले तो मैं कहता था आप समझ जाते थे कि मैं क्या कहता हूँ उनको, लेकिन बगल में पार्क बनाया है, अभी भी वो पत्थर के हाथी लगे हैं, न वो बैठे हैं न खड़े हुए हैं, आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ अगर मैं काम करता नहीं तो कल मैं क्या जनता के बीच में जाऊँगा और कहूँगा जा करके। इसलिए कम से कम मैंने प्राथमिकता पर ये रखा, हमारे सामने कोई बात आई हो, किसी बात को हमें सुनना पड़ा हो, सहन करना पड़ा हो, हमने अपने काम को और घोषणा पत्र को कैसे लागू करेंगे उसको आगे नहीं आने दिया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोगों से हमने ट्विटर पर सवाल मंगाए थे, क्योंकि लखनऊ में है, चुनाव मंच है, चुनाव का मौका है, जनता पूछना चाहती है। तो अनीता शर्मा ने एक सवाल पूछा है, क्या यादव परिवार के तकरार का, झगड़े का असर 2017 के चुनाव में दिखाई देगा? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, इसका पार्ट ट्विटर भी है, वहाँ भी वही चीज़ दिखाई देती है जो समाज में दिखाई देती है हमें। कुछ लोग वहाँ भी वैसे ही बटे दिखाई देते हैं जैसे समाज में हम बटे दिखाई दिए। लेकिन इनका सवाल अच्छा है, शायद 2017 के बारे में ये पूछ रही हैं सवाल। पूछ रहे हैं कि जो आपकी परिवार की तकरार है, इसका कुछ असर होगा चुनाव पर? असर जो होगा वो होगा, एक्सप्रेस वे कैसे बनकर पूरा हो रहा है, लैपटॉप कितना बांट के दिखा दिया, कन्या विद्याधन कितना बांटा है हमने, मेडिकल कॉलेज की MBBS सीटें बढ़ा दी, आज़ादी के बाद जितनी सीटें बढ़ी थी उससे ज़्यादा मैंने सीटें बढ़ा के दिखा दी, उतनी सीटें बढ़ाई हम लोगों ने, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, आपका जो डिमांड थी बिजली की
10,000 मेगावाट से लेकर के 18,000 मेगावाट कर दिया। आज बनारस में अगर 24 घंटे बिजली आ रही है वो कोई बीजेपी की सरकार की वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी की सरकार के लोग आंदोलन पे बैठ गए थे। आप ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे झगड़े की बात पूछ रहा हूँ। सवाल यही है, यही राजनीति है। हम पूरे ये मैं कहता हूँ कि ये आज की बात नहीं अखिलेश जी, मेरे पास में 15 अगस्त 2016 का ये बयान है, पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है, शिवपाल अपने काम में लगे हैं जबकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा दो बार शिवपाल इस्तीफे की पेशकश कर चुके, मैंने उन्हें रोका, अगर छोड़ दें तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये पुरानी बात बता रहे हैं आप, ज्यादा पुरानी नहीं है, 15 अगस्त 2016 सुबह 10:12 मुझे याद है, मैं था उस मंच पर और उसके बाद मैंने नीतीश से बात की और मैंने कहा कि ये जो काम काज अगर हम जनता में पहुंचाएंगे और मेरे अगर साथियों के बारे में लोग जानते होंगे तो उसके बाद हम लोगों ने हर विधानसभा के स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन किया है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कम से कम सरकार की बातें पहुंचाई हैं। और मेरा मानना है जिस तरह का सम्मेलन में लोग निकल करके आए, जिस तरीके से कार्यकर्ता निकल करके आए, आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की बनेगी। तो जो बात उन्होंने कही, कम से कम संगठन पार्टी और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि सरकार कैसे वापस आएगी। ये बताइए कि जब आपको अचानक रातों रात उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो कुछ बुरा लगा था? आप मुझे बुरा लगा उसका असर आपने देखा होगा। आपने उनको 6 मंत्री पद उनसे वापस ले लिए, ये बात आप जानते थे, उसके बाद भी आपने मुझसे सवाल पूछा। क्योंकि आमतौर पर आप ऐसे रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं है, इसलिए कभी कभी उम्र का वो होता है, हो सकता है मेरी उम्र कम है, शायद उस उम्र की वजह से मैंने फैसला ले लिया हो, लेकिन करेज तो नए नौजवानों में ही होता है, शायद मैंने वो साहसी फैसला ले लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूंगा आपको, नेताजी को खुश करने के लिए नेताजी खुश रहें और भी कोई फैसला लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। आपको लगता है इस फैसले से नेताजी खुश होंगे जब आपने उनके विवाह वापस ले लिए? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं नेताजी से मिल करके आया हूँ और मैंने नेताजी से कहा है, दूसरी बात ये कही है और जो मैंने अपने आप फिर सोचा है, यही मैं कहा कि नेताजी आपको जो अच्छा लगे, जो जिसमें आपकी खुशी होगी वो फैसला मैं लूंगा। लेकिन नेताजी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया ना, अब आप भी कुछ फैसले लेने लगे हैं? अभी तो जो फैसले एक आधे लिए हैं उसका सर देख लो आप। तो आगे ऐसे और फैसले देखने को मिलेंगे? अब जनता के बीच में जाना है, नया घोषणा पत्र बनाना है, नई बात जनता के बीच में क्या रखी जाए, हमारे किसानों के लिए क्या कहा जाए, जो नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार होते चले जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या भविष्य हो, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर बन सके, उस दिशा में अभी 2-3 जगह मेट्रो बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए और शहरों में भी, कानपुर में, वाराणसी में मेट्रो कैसे बने, उस दिशा के लेकर के कैसे घोषणा पत्र में बातों को शामिल करूँ। जब भी मेट्रो बनेगी तो इसमें कभी शिवपाल जी भी सवार होंगे? मैंने सदन में कहा है और मैं आज फिर कहता हूँ कि मैंने कहा अगली दफ़े जब मैं आऊँगा सदन में तो इसी से मेट्रो से बैठ करके बजट पेश करने आऊँगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जब आप बजट पेश करने आएंगे मेट्रो में, यकीन मानिए जो लखनऊ के शहर के लोग एयरपोर्ट जाते होंगे और सड़क पे गुजरे होंगे लोग, वो जानते होंगे कि इतनी रफ्तार से कभी मेट्रो नहीं बनी होगी जो लखनऊ में कम से कम समाजवादी लोगों ने बना के देखी। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेट्रो तेजी से बनी है, मेट्रो में आप बैठ के जाएंगे बजट पेश करने, जब आप उस मेट्रो बैठ के जाएंगे तो शिवपाल जी आपके साथ मंत्री के तौर पर होंगे या पार्टी अध्यक्ष के तौर पर? देखिए दोनों के रूप में भी हो सकते हैं, जो बात आपने कही है और वही बात मैं कहता हूँ, अध्यक्ष के रूप में भी मंत्री के रूप में भी, तो वो तो हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो केवल मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री तो आप हैं, ये तो तय है, तो इसलिए बजट पेश करने जाऊंगा। लेकिन सिर्फ लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कई बार ये बात कही है कि शिवपाल जी इस पार्टी की रीढ़ है, वो नाराज होकर चले गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इलेक्शन के मौके पर ये हो जाए। देखिए राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, कम से कम हम अपने रास्ते से नहीं हटना चाहते। मैं कहता हूँ कि विकास जब होगा, सड़क बनेगी, किसका लाभ होगा हम ही नहीं जानते, उसका लाभ किस किस को पहुँचेगा, किसान को लाभ होगा, नौजवानों को लाभ मिलेगा, जितने किसानों ने ज़मीन दी है कम से कम इस सरकार से वो खुश हैं,
मैं ये कह सकता हूँ एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है जिसने आगरा से लेकर के लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन दी है। तो कम से कम हम उस दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि काम करते करते राजनीति भी आएगी सामने, लेकिन हमारी प्रायोरिटी काम ही रहेगा। आपकी प्रायोरिटी दो रहेंगी, काम और आउटसाइडर्स को निकालना। आउटसाइडर्स पर नज़र रखना। एक शेर है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था और किसी का क्यों है, और यही दुनिया है ऐसी तो ये दुनिया ऐसी क्यों है। तो मैं इसका जवाब ये दे सकता हूँ जो कहावत अंग्रेजी में है कि वन हु इज़ अ टॉप इज़ ऑल अलोन। तो हम तो ऐसे ही गाने सुनेगा जो ऊपर होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा वो ऐसे ही गाने सुनेगा जो आप बता रहे हैं शेर और ये सब। अखिलेश जी, आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया है और बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं, और आपके काम को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। आपके विरोधी आपके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। मायावती जी तो ये कहती हैं कि अब रिटायर हो जाना चाहिए मुलायम सिंह जी को। देखिए, उन्होंने जो कहा आप वो एक दिन छपा था अखबार में, हालांकि बहुत लोग जानते हैं, मैंने सदन में भी पूछा इस बात को लेकर के। उन्होंने जो मैं जानता हूँ वो ये कहा कि अखिलेश अब मुझे बुआ नहीं कहेगा। तो मैं पूछता हूँ कि मैं क्या कहूँ आपको। उन्होंने बड़ी रैली की और कहा कि अखिलेश आज से मुझे बुआ नहीं कहेगा। और जब बीजेपी के लोगों ने उन्हें परेशान किया तो उस समय ये कहा कि अगर वो मुझे बुआ मानता है तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है। मैंने बुआ का कहना माना और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया। वो चाहती हैं आप उनको बुआ ना कहें, ऐसी भी लोग हैं जो अब चाहेंगे कि आप उनको अंकल ना कहें। अब हो सकता है ऐसा, अगर मुझसे पूछो आप तो। मैं औरों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन आज मुझसे आज पूछेंगे आज की परिस्थिति में तो मैं कहूँगा हाँ, मैं नहीं अंकल कहूँगा। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। अगर मान लीजिए फैसला हो जाता है मर्जर करने का, साथ लेने का, तो कौन से आरोप लगेंगे? मैं जब हो जाएगा मैं सब चैनल देखूंगा उसके बाद, और मैं सब जितने आरोप लगेंगे मैं आपको भिजवाऊंगा सब। प्रजापति जी वापस आ जाएंगे ये तो आपने मान लिया, तो क्या शिवपाल जी के विभाग भी उनको वापस मिल जाएंगे? मैंने जो खोया उसके बारे में आप नहीं बोल रहे, मुझसे क्या चाहिए वो दे दूं मैं। मैं ये कहूं कि ठीक है आप पद भी रख लो, मैं सब पद वापस कर रहा हूं, आपके विभाग भी दे रहा हूं, लेकिन टिकट मैं कम से कम बांटने का हक रखता हूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुश्किल हालात में अखिलेश यादव ने सवालात का सामना करने का फैसला किया, इल्जाम की सफाई देने का फैसला किया। एक बार फिर से स्वागत है अखिलेश यादव का आपकी अदालत में। अखिलेश जी, आप पर अगला इल्जाम लगाऊं उससे पहले अभी अभी मुझे खबर मिली है, मुलायम सिंह जी ने कहा कि गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द होगी। क्योंकि मेरा मोबाइल ऑन नहीं है, मैंने पहले ही कहा ना, व्हाट्सएप कब मैसेज आया कब बात करनी, अगर मेरे मोबाइल पहले खुला होता तो शायद ये खबर मैं आपको बताता। इसीलिए मैंने कहा कि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वही मेरे पिताजी भी हैं, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने अध्यक्ष पद मुझसे छीना है, लेकिन एक पुत्र होने के नाते मेरी कम से कम ये जिम्मेदारी है कि नेताजी नाराज ना हो। तो नेताजी नाराज ना हो इसके लिए प्रजापति जी को वापस मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। अगर ये खबर आपने दी है तो मैं खबर आपके माध्यम से स्वीकार करता हूँ। नेताजी ने यह भी कहा कि अखिलेश मेरी बात कभी नहीं टालता, भी नहीं टालेगा। ये ठीक बात कही आपने और मैं नहीं टालूंगा बात उनकी। लेकिन जिस दिन आपने निकाला था उस दिन उन्होंने आपको कहा था कि बात ये हुई थी विभाग बदलने की, निकालने की नहीं, आपने कुछ ज्यादा कर दिया। अब बात वो खत्म हो गई, इसलिए कि अब मैं उस बात पे जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो सिर्फ प्रजापति जी वापस आएंगे, बाकी भी वापस आ जाएंगे? अब जो नेताजी ने कहा उतने तक मैं काम करूंगा, उसके बाद के आगे की बात नहीं आई। शायद मैं मोबाइल ऑन कर लूँ, आपको भी खबर मिल जाए तो शायद आगे बढ़ जाऊंगा मैं भी। ठीक है, मुझे तो खबर आती रहेगी और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि ये बड़ी बात है जो आज आप बात कर रहे हैं, और मैं वाकई में आपको इस बात के धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे परिस्थितियों में भी आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। आपकी अदालत में अगला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।
आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप है कि इनके राज में खुली लूट है। अब अखिलेश जी, ये आरोप मेरा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आपकी बुआ जी का है। मायावती जी कह रही है कि शिवपाल और अखिलेश लड़ाई का ड्रामा कर रहे हैं, ये असल में उत्तर प्रदेश में जो लूट हो रही है, जो जंगल राज है, उस पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनका सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, उनके मंत्री कितने जेल चले गए थे? उनकी जब सरकार थी, सीएमओ मार दिए गए थे, इसी लखनऊ में सीएमओ की हत्याएं हुई थी। इंजीनियर क्यों पैसा नहीं दे रहा था? इंजीनियर की हत्या हो गई थी। इन तीनों चीज़ों में आप बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति फंसा हो इस तरह के मामले में? आरोप लगाना आसान है। मैं उदाहरण देता हूँ, और मैं विरोधी दल के लोगों से कहता हूँ कि 55 लाख महिलाओं को मैं समाजवादी पेंशन दे रहा हूँ, 500 रुपया महीना। बनाने में हो सकता कोई शिकायत हो, क्योंकि हमारा जो ग्राम सभा है, हमारी जो व्यवस्था है, उसमें हो सकता है कुछ व्यवस्था इस तरह की कमियाँ हों, लेकिन एक बार अगर पेंशन बन जाए, 55 लाख महिला पर सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। एक करप्शन का चार्ज नहीं लग सकता। लैपटॉप जो बांटे हमने 18 लाख से ऊपर, अगर कोई मुझे उत्तर प्रदेश में ये कहे कि लैपटॉप में कहीं बेईमानी हुई है, खराब लैपटॉप आया है आपके, आपके कन्या विद्याधन, ये सही है कि जब प्रमाण पत्र बनता था, जो गरीबी के आधार पर मिलने की जो योजना थी कन्या विद्याधन, मैंने कहा मेधावी छात्रों को मैं दूंगा, कहीं शिकायत नहीं मिली। शिकायत जो मिली आपको बताऊं, और ये सबसे आसान मामले हैं, जो आपको शिकायत मिली है वो बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इस बात को आप खूब जानते हैं, आपको उसके बारे में बताया गया था और आपने कुछ नहीं किया। देखिए, जमीन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुलायम सिंह जी कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जमीन को लेकर के, कब्जे को लेकर के कई बार बात हुई हमारे दल में। मान लीजिए नेताजी ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया, कहा कि इस तरह के काम नहीं करने हैं, इससे जनता में नाराजगी होती है। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के कमी थाने छोड़े होंगे जहाँ थाने पे धरना न दिया उन्होंने। माननीय गवर्नर साहब से भी वो मिले कि उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है, उत्तर प्रदेश में बेईमानी हो रही है, जमीन कब्जा हो गई, लेकिन एक भी सूचना हमसे नहीं दी। मैंने तो खुली प्रेस में ये कहा था कि अगर मेल करते हो आप कि जमीन कब्जा हो रही, कम से कम मुझे CC कर दो, मुझे भी उसकी कॉपी दे दो। ये बात तो कम से कम हमसे भरोसा करो। ये बात तो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, बीजेपी लोग तो बाद में आए। मैं उस मंच पे था जब नेताजी ने इस बात को कहा। नेताजी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं किसी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार उसका खराब है। देखिए, मेरे पास में पूरी एक लंबी लिस्ट है जो अखबारों में छपी है जमीनों पर कब्जा करने की। लेकिन एक मैं आपसे कहूंगा, अखबार की सूची मुझे देने से पहले कम से कम ये बताना चाहिए कि ये कब जमीन कब्जा हुई और इसका पहले से क्या था डिस्प्यूट। देखिए, जमीन कब्जा करने के आरोप तो प्रजापति जी पर भी हैं, जिनको अभी आप वापस ले रहे हैं। डिस्प्यूट कैसा है, डिस्प्यूट कब से है? अगर 4 साल से पहले से डिस्प्यूट चल रहा हुआ तो जिम्मेदार समाजवादी सरकार नहीं है, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मैं आपको कई मामले केसेस कोर्ट में है, बहुत सारे। सरोजनी नगर से सपा विधायक शारदा प्रसाद शुक्ला ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सपा के मलियाबाद के विधायक इंदर रावल ने आवास विकास परिषद की विकास नगर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये आधी अधूरी जानकारी है, ये हो सकता है प्रिंट आउट आपने पुराना निकाला हो, जरूरी नहीं कि नेट से निकाला है। पुराना भी नहीं, 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 जून 30, 2016। और आपका अभी क्या है? इतनी जल्दी आपने सब ठीक कर दिया? आप इसके होटल के बगल में एक विधायक ने कब्जा किया हुआ था, मेरी जानकारी मिली, मैंने सरकार ने उसका निर्णय लिया और गिरवाया उसका, और यही नहीं गिरवाया, जहां जानकारी मिली मैंने गिरवाया। अगर हमें कोई जानकारी दे दे कि जमीन कब्जा है, या उसके लिए व्यवस्था है, कोर्ट है, तमाम चीजें हैं। ये तो सारी जानकारी सब अखबारों में छपती रहती है रेगुलरली। आरोप लगाना और वाकई सच्चाई में क्या बहुत फासला है। आप क्या जनता के सामने ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का आरोप लगता है, आपके पास में जानकारी आती है, समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करते हैं, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं? मैं स्वाभाविक कार्रवाई करूंगा, और मेरा ये मानना है, हम अपना सोशल मीडिया को अलर्ट किया हुआ है। मान लीजिए मुझे एक छात्रा ने मैसेज किया कि मुझे कन्या विद्याधन नहीं मिला, मैंने जानकारी करी और उसको कन्या विद्याधन दिला दिया। अभी चिन्हट के पास कुछ दिन पहले मुझे एक जानकारी दी किसी ने कि मेरी जमीन को लेकर के स्कूल नहीं बनने दे रहा है SD।
मैंने स्कूल बनवा दिए। मैं ऐसे तमाम उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ अगर जानकारी मिली है तो उसका निस्तारण सरकार ने किया है। नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी के किसी मंत्री ने, किसी नेता ने जमीन पर कब्जा किया, आप तक खबर पहुंची, तो आप एक्शन लेते हैं? मैं स्वाभाविक एक्शन लूंगा और कार्रवाई करूंगा। कितने एक्शन लिए होंगे अब तक आपने? मैंने काफी लिए, मैंने आपको एक उदाहरण बगल का ही बता दिया। एक बताया ना, लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऐसे तो कार्रवाई हमने बहुत की है, मदद भी बहुत की है मैंने। अगर मुझे चाहो तो मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ और आपका स्टेज भर जाएगा। हो सकता है जब आप मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले से इम्प्रेशन ये था कि आप माफिया के खिलाफ हैं, आप अपराधियों के खिलाफ हैं, आपने अपराधियों को पार्टी में शामिल होने से रोका था, और ये उम्मीद थी कि जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो जाएंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में अपराध घटनाएं होती हैं, लेकिन कार्रवाई सरकार ने की है। आप पहले दिन की खबर जरूर मानते हैं कि घटना हो गई, लेकिन घटना में अगर परिवार का सदस्य निकले, कोई आपका पड़ोसी निकले, पुरानी रंजिश निकले, ज़मीन को लेकर के निकले, जो आप आंकड़े हमें दिखाते हैं, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि और प्रदेशों से बेहतर उत्तर प्रदेश है। और बहुत जल्दी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा आया है एम्बुलेंसेस पर, कि फ़ोन करने पर 15-20 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है, और मैंने एम्बुलेंस बढ़ाई है अपने संसाधनों से भी, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, कितनी बढ़ा सकते हैं उस सीमा के अंदर मैंने और रह करके बढ़ाई भी है। मैं डायल 100 नंबर लाने जा रहा हूँ, थोड़ा समय जरूर लगाया मुझे, लेकिन देश में, इतने बड़े प्रदेश में, मैं समझता हूँ इकलौता होगा जहाँ फ़ोन करने पर 10-15 मिनट में पुलिस पहुँचेगी। मैं अक्टूबर के सेकेंड वक्त में शुरू करने जा रहा हूँ। अखिलेश जी, पूरे देश में चर्चा हुई, बुलंदशहर में हाईवे पर माँ और बेटी का जघन्य अपराध हुआ, उनके साथ गैंग रेप हुआ, कोई पुलिस नहीं पहुँची, कोई मदद नहीं पहुँची। वो घटना बहुत दुखद थी, और जिस समय मेरी जानकारी में आई मैंने तमाम पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। आज भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुए। मैं उस परिवार की मदद पूरी तरीके से किया, और मैंने उस समय भी कहा कि ये घटनाएं अगर कहीं हो जाए तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमरे में बैठा करके समझा करके राजनीति की। मैं वहीं से बात उठाता हूँ, ये सही है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, आबादी बड़ा है, ऐसी घटना लगभग हाईवे की नहीं लेकिन गुड़गांव शहर में हुई, एक अस्पताल में एक ही बेटी के साथ कितनी दो बार घटना हुई, बताओ वो खबर कितनी बनी, उसी घटना के आसपास हुई थी, वो भी वो लोग जाने तक नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सारे चैनलों पर चला भी नहीं वो खबर। एक बेटी के साथ एक अस्पताल में, इंस्टीट्यूशन में, दो दो व्यक्तियों ने उसके साथ घटना की। लेकिन अखिलेश जी, अगर आंकड़े देखें, पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं में 362% इजाफा हुआ है, 362%। मैं ये कहता हूँ कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं, अगर आप दूसरे प्रदेशों के आंकड़े देखेंगे, ये मैं नहीं कहता कि मैं अपने प्रदेश के बारे में बचाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे प्रदेशों के आंकड़े इससे भी खराब है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटना किस प्रदेश में होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और जो प्रदेश में इतनी घटनाएं क्यों होती है? मैं रोकना चाहता हूँ और मैं रोकूंगा, लेकिन मान लीजिए घटनाएं हैं, जानकारी कैसे मिलेगी सरकार को? अगर सरकार को जानकारी मिल जाए, मान लीजिए हमने 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई, कोई व्यवस्था नहीं थी, अगर कोई लड़की को, छात्रा को कोई परेशान कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कम से कम 1090 में, जो आप 6 लाख बेटियों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हो, 1090 से 6 लाख। और मैं ये कहता हूँ आपसे, आपके अलावा जिसको भी ये लगता हो कि हम जानना चाहते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है, वो 1090 में जाकर के जिसकी भी मदद सरकार ने की है आप उससे बात कर सकते हैं। अखिलेश, मैं तो 4 साल के आंकड़े दे रहा हूँ, और अगर एवरेज लेंगे, हर दिन 24 बलात्कार, 21 अटेम्प्टेड रेप, 13 मर्डर और 33 किडनैपिंग होती है उत्तर प्रदेश। अब जैसे मान लीजिए बरेली का मामला था, उसको बलात्कार का रूप दे दिया था, याद कीजिए आप, लेकिन एक लड़का लड़की जानते थे एक दूसरे को। कई बार मैंने गाजियाबाद का एक, हालांकि गाजीपुर का एक घटना थी, उसको बार के मैंने बुलाया पुलिस कप्तान को, पुलिस के अधिकारियों को कई बार मैंने पूछा, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिसको हमें बदलना पड़ेगा, अगर हमने सामाजिक बुराइयों को नहीं बदला तो ये घटना बढ़ेंगी। इसलिए सरकार की जहाँ जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वहीं समाज को भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि समाज, जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, जिम्मेदारी निभा रही है, उसके बहुत सारे आंकड़े भी हैं,
लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि ज्यादातर उन इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का नहीं, ये बात आप दूसरे दल की उठा करके ला रहे हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं, ये बात बीजेपी के लोग कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं, अपने प्रदेशों को कब सुधारोगे? हरियाणा में क्या हुआ, किसने नहीं देखा? कितने दिन हाईलाइट रही न्यूज? अभी जो राजस्थान में हुआ क्या हो गया? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? और जो आंकड़े हमें पेश कर रहे हैं आप, मैं जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा कहाँ ये आंकड़े हैं? सबसे ऊपर क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या मध्य प्रदेश सबसे बड़ा आगे नहीं है इन आंकड़े में? और भी प्रदेश हैं। मैं आपकी बात मानता हूं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पड़ोस के राज्यों में अपराध हो सकते हैं, आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब एक नौजवान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया था, तो आपने ये वादा किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं उत्तर प्रदेश में अपराध कम कर दूंगा। मैं इसीलिए मैंने अपनी टीम को कहा कि जा करके आप न्यूयॉर्क की स्टडी कर करके आइए, आप जा करके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाइए। हमारे अधिकारियों ने, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों ने, और मैं समझता हूँ जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वेंकट, उनको मैंने अब सलाहकार बनाया और उनके तहत हमने कार्रवाई कर करके डायल 100, जो इसीलिए मैंने कहा देश का सबसे बड़ा डायल 100 नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं, देखिए, जिसमें कि मौके पर पुलिस पहुंचेगी, जानकारी आने, अभी तक तो आपको थाने जाना पड़ता था, अभी तक व्यवस्था ये है कि अगर कोई घटना हो गई तो आपको थाने भागना पड़ता था, पुलिस के पास भागना पड़ता था। मैं व्यवस्था को बदल रहा हूं और अक्टूबर में वो दिखाई देगी। अगर घटना होगी, किसी कोई व्यक्ति तकलीफ में होगा तो फोन करेगा तो पुलिस उसके पास पहुंचेगी, बदलते, और एफआईआर दर्ज होगी। व्यवस्था बदलते देर और उस पर कार्रवाई होगी। जो तीन बेसिक चीजें हैं, एफआईआर दर्ज होना और तुरंत पुलिस पहुंचना, ये दोनों तीनों काम सरकार करेगी, आपको अक्टूबर में दिखाई देने पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक इम्प्रेशन बता दूं, चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव मंच है जिस पर ये आपकी अदालत में आप हैं। उत्तर प्रदेश में एक इम्प्रेशन ये है कि जब मायावती जी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था बेहतर थी, वो वापस सत्ता में आएंगी तो कम से कम कानून सुधर जाएगा, ये लूट खसोट बंद। आप मैं ये लूट खसोट की बात तो मत करिए, आप कम से कम उस सरकार के बारे में ये मत कहिए कि लूट खसोट नहीं हुई। सीएमओ अगर जेल में मार दिया जाए, सीएमओ की हत्या हो जाए यहाँ पर गोमती नगर में, इंजीनियर को इसलिए मार दिया जाए कि जन्मदिन के बहाने पैसा वसूली की बात है, मुझे ये बताइए, मेरा भी जन्मदिन होता होगा, प्रदेश में कोई अधिकारी मुझे बता दे, कोई कार्यकर्ता बता दे कि चंदा इकट्ठा हुआ हो, क्या वो भूल गए लोग? और याद रखना चाहिए कि वो 2006-07 में जीते थे, ये 2017 में चुनाव होने जा रहा है, 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने जो किए लोग अभी भी नहीं भूले। बताओ लखनऊ में सीएमओ क्या समाजवादी सरकार में मारा गया? मैं जानना चाहता हूं, एक सीएमओ को मारा गया हो तो बता दो। अधिकारी ने आत्महत्या की कि अधिकारी आईएएस फांसी लगा लिया, क्यों लगा लिया, ये विचार करना पड़ेगा। और इतनी ही अच्छी कानून व्यवस्था थी, फिर सरकार में क्यों नहीं लौटे, सत्ता में क्यों नहीं लौटे? वो कह रहे अब लौटेंगे, अब तो नहीं लौट रहे, वो जानते हैं वो किस स्थान पर है, बहुजन समाज पार्टी के लोग जानते हैं वो किस स्थान में, जो सोचो जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन ही छोड़ के चला जाए उन्हें, ऐसा बहुत कम हुआ होगा डेमोक्रेसी में कि लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ के चला गया। पता नहीं क्या गुण है बीजेपी में कि उन्होंने लीडर अपोजिशन को भी छीन लिया। बहुजन समाज पार्टी के लोग जा रहे हैं और आपने लूट की बात कही थी, अरे बहुजन समाज पार्टी का जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उनको, वो ये कह रहा है कि हमसे पैसा वसूला जा रहा था। ये मान लीजिए पैसा वसूला जाएगा टिकट पर और जीत गए, सरकार बन गई, तो वो पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, और वो भी किसके साथ, पूरा प्रॉफिट के साथ। अगर 1 करोड़ की सीट, मैं तो कहता हूँ उस समय मैंने एक टीवी चैनल के साथी से कहा कि आपने सर्वे ऐसा निकाल दिया जिसमें बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पे डाल दिया, मैंने आपको मुनाफा कम हुआ होगा, बहुजन समाज पार्टी को मुनाफा ज्यादा हो गया, जो सीट 50 लाख की थी वो 2.5 करोड़ की हो गई। मैंने कहा आपका तो सर्वे 20-25 करोड़ का रहा होगा, लेकिन आपने उसका मुनाफा 600 करोड़ करा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है वो टिकट कैसे मिलती है, ये बगल में जो स्मारक बने हाथी लगे हैं, बताओ हाथी लगे आज के जमाने में? आपने तो किसी हाथी को छेड़ा भी नहीं। हाँ, मैंने हालांकि जो जगह मैं इस्तेमाल कर सकता था, जो ऑफिस थी 1090 खुला हुआ है, आज वो चौराहा 1090 के नाम से जाना जाता है और किसी दूसरे नाम से नहीं जाना जाता।
और उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और जगह हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि लूट खसोट वो कर रहे थे, और इम्प्रेशन समाजवादी पार्टी के बारे में हो गया कि इनके कार्यकर्ता हर जगह एक्सट्रॉशन करते हैं। देखिए, अगर कहीं किसी तरह की शिकायत है और अगर हमारी जानकारी में आ जाती है तो कार्रवाई करते हैं। आज का जमाना इतना खुला है कि आप किसी से भी पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से, और हमने तो ये तक मदद की है कि अगर सोशल मीडिया पे भी कोई बात आ गई है कानून व्यवस्था को लेकर के या मदद को लेकर के, तो ये सरकार उन तक पहुंची है। मैं एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं। तो आज के इतने ज़माने में कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, कोई बात छिपा नहीं सकता। देखिए, मैं तो जनता के मन में जो इम्प्रेशन है उसकी बात कर रहा हूं। अब ये तो इसलिए है कि हमें जो लोग जानते हैं वो टीवी और अखबार के माध्यम से जानते हैं। जब कोई घटना हो जाए मान लीजिए, तो हमारी तस्वीर दिखा करके वो घटना को बहुत इनलार्ज करके दिखाते हैं। मान लीजिए शुरुआत बदायूं से हुई थी कि कहा कि दो बेटियों के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, सीबीआई जांच हो गई, बदनाम हमें कि हम किस किस को बताएं कि वो घटना ही दूसरे तरह की थी। आप जानते होंगे बदायूं में यूएन तक बात पहुंच गई। अभी एक जेल का मामला आया, वो था हमारी बुआ की जमाने की सरकार का, और एक चैनल ने उसने अमेरिका की एक जेल की कहानी और उस जमाने की कहानी मिला के दिखा दी। अरे मैंने कहा भाई, हमारी हर घटना को तुम यूएन तक पहुंचा रहे हो, अमेरिका तक पहुंचा दे रहे हो, तो हम तो उनसे भी बचना पड़ेगा हमें, उनसे भी। देखिए, मुझे तो लगता था कि आप टीवी चैनल्स की काफी फेवरेट हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैं टीवी चैनल पसंद करता हूँ, आपका भी पसंद करूँगा, और भी चैनल पसंद करता हूँ, लेकिन कई बार हमारा ऐसा भी है कि जो इम्प्रेशन पड़ता है उनके माध्यम से भी पड़ता है। ये क्यों होता है कि जो टीवी चैनल से सवालों के जवाब नहीं देते उनको टीवी चैनल अच्छा बताएंगे, और आप जैसे जो हर सवाल का जवाब देने के लिए मुस्कुरा कर तैयार है आपको खराब बताएंगे? मैं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कह सकता, हालांकि जानता सब कुछ हूँ लेकिन कहूँगा नहीं। और फिर अगर कानून व्यवस्था इतनी ख़राब होती तो इन्वेस्टमेंट कैसे आता? मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है, बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया की बन रही है, आपका मान लीजिए इन्फोसिस के लोग आ रहे हैं, SCL आ गया, आपका लगातार एक्सप्रेस वे में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपके मंडी स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि हम भी एक बड़ा यहाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, फरीदाबाद इतने बड़े बड़े शहर हैं, ये कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से दूध, कहाँ से पनीर? हमने कहा अगर आप करना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग का, हम तैयार हैं, और सरकार भी वहाँ करने जा रही है, यहाँ पावर प्लांट लग रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन अखिलेश जी, इस देश के जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें से ज़्यादातर नेशनल चैनल्स हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में है, आपके मेहमान हैं सब। मैंने ज़मीन मैंने नहीं दी, अगर ज़मीन मैंने दी होती तो शायद दोस्ती आज भी मेरी उनके साथ होती। अब आप भी जानते हैं ज़मीन किसने दी थी उस ज़माने में, कुछ लोगों को नेताजी के ज़माने में मिली थी, लेकिन नेताजी के उनसे संबंध नहीं है, कुछ और लोगों के संबंध है, बस इतना ही फ़र्क है। शायद मैंने दी होती तो मैं उनसे संबंध रखता। तो आपको लगता है कि मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में आपके साथ थोड़ा अन्याय होता है? आप देखिए, पूरा पत्रकार, सब नहीं, ज़्यादातर नोएडा, गाज़ियाबाद में रहते हैं, चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट हों, टीवी जर्नलिस्ट हों, या किसी भी तरह के लोग हों, ज़्यादातर मैं समझता हूँ यूपी में ही रहते हैं। अगर यूपी इतना ख़राब था तो क्यों यूपी में रहते हैं आप? यूपी में हेड ऑफिस क्यों है सबका? खबरें ज्यादा मिलती है ना, मैंने तो यहाँ तक देखा है, जितना खराब होता है उतनी ज्यादा खबर मिलती है। मैं उससे बात और एक आगे कहता हूँ, मैंने नोएडा के तमाम लोगों को देखा, कई बड़े लोगों को जिनकी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, और वो नोएडा में लिखते हैं कि नोएडा NCR दिल्ली। मैंने कहा नोएडा NCR दिल्ली, अरे यूपी भी तो लिख दो कहीं। तो सोचो नोएडा NCR में है, यूपी में नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आगरा में, मैंने देखा वो दिल्ली के करीब मानते हैं ताजमहल को, लेकिन वो यूपी में नहीं मानते। तो ये तो परसेप्शन की बात है, ये तो हमें बदलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो दिल पर हाथ रख के ये बता दीजिए कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में डरने की ज़रूरत नहीं है? मैं ये कहता हूँ, वो पैमाना क्या हो, मान लीजिए आपकी बात को मैं कहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था ख़राब है तो आगरा में 6,000 कमरे होटल्स के कैसे बन गए, 5-star, 3-star, 2 और अदर कैटेगरीज में 6,000 कमरे बढ़ गए। आपका टूरिस्टों का आने की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, चाहे वो मथुरा की वजह से हो, चाहे वो आगरा की वजह से हो, या चाहे वाराणसी की वजह से हो। अगर टूरिस्ट बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बन रहे हैं, आ रहे हैं,
हमारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो मैं क्या मानूं इस बात को? ये तो प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र है। जो लोग बचना चाहते हैं, जिनको ज्यादा एमपी जीत गए, 70 से ज्यादा एमपी जीत गए, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने, जमीन पे तो कुछ आया नहीं, तो उन पे एक मुद्दा है कानून व्यवस्था। हम कहते हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता, वो क्या याद दिलाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया था पिछले 5 साल में? कोई काम याद दिलाए मुझे? मुझसे कहा, मैंने अखबार में पढ़ा, वो कहती है एक्सप्रेसवे उनका ड्रीम था, वो बनाना चाहती थी एक्सप्रेसवे, वो कहती है मेट्रो वही बनाना चाहती थी। कमाल है, मैंने कहा कमाल है, आप उनके सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन कमाल इस बात का है कि कोई किसी की योजना को कैसे कह सकता है? तो इसलिए हमें बचना पड़ेगा ऐसे लोगों से भी। बीजेपी के लोग, बताना होगा बीजेपी के लोगों ने आखिरकार जमीन पे क्या आया। मैं कहता हूं लखनऊ में क्या बड़ा काम किया बीजेपी के लोगों ने बता दें, कानपुर में कौन सा बड़ा काम किया बीजेपी के लोग, वाराणसी में कौन सा बड़ा काम किया, मैं पूछना चाहता हूं हमीरपुर में कौन सा बड़ा काम किया, झांसी में कौन सा बड़ा काम किया, इटावा में कौन सा बड़ा काम कर दिया, कन्नौज में कौन सा काम बड़ा कर दिया। ये तो अपने कुछ क्षेत्र मैंने गिन दिए, जहां वो जीते वहां बता दें हमें, मुजफ्फरनगर में बता दें, सहारनपुर में बता दें, मथुरा में बता दें, हमें कोई काम बता दें। और मुझसे आप पूछो, आप मुझसे पूछो जिला और मैं काम बताऊंगा आपको। मैं आपसे केवल एक जिला छोड़ करके मैं, आप मुझे पूछिए और मैं उस जिले का बड़ा काम बताऊंगा कि सरकार क्या कर रही है, केवल एक जिला छोड़ करके। और मैं उस जिले को इस बजट में ले जा रहा हूं कि उसको बाढ़ से बचाना है। मुझसे आप जिला पूछिए, मैं बड़ा काम बताऊंगा। अमूमन जो योजनाएं चल रही वो तो हर जगह चल रही। मैं आपसे आपके कामों की भी बात करूंगा, लेकिन अभी तो कानून व्यवस्था की बात हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनके मन में सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर के। आप बोलते बहुत अच्छा है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और इतनी सादगी से और हम्बल तरीके से आपने इस स्टेट को चलाया है, उसके लिए हम ज़रूर आपको मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं कि आप कहते हैं, आपने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जहां मुझे लगता है कि आपके नज़र की ज़रूरत है। ख़ास तौर से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, और मुसलमानों ने आपको बहुत अच्छी तरह से आपका साथ दिया, वोट भी किया। मैं इसी शहर में, जो कि कैपिटल टाउन है, यहाँ पर ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, वहाँ पे सड़कों की, डॉक्टर्स की, 1090 की, इन सब की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये तो बड़ा गंभीर इल्जाम है, क्योंकि ये माना जाता है कि मुसलमानों ने तो एन ब्लॉक वोट दिया था आपको। ये मैं उनकी उनके सवाल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी मदद भी कर दी, और मदद ये कर दी कि कम से कम मैं वो बात बताऊँ कि मैंने उन लोगों के लिए क्या काम किया है। समाजवादी लोगों पर कभी कभी आरोप भी लग जाते हैं कि हम ज़्यादा मुसलमानों के पक्ष में हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सरकार ने काम किया है। और चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो, चाहे हमें सरकार में उन्हें जिम्मेदारी देनी पड़ी हो, हमने हर जगह उन्हें सम्मान के साथ रखा है। और वहीं मैं ये कह सकता हूँ, देश में ये पहली समाजवादी सरकार होगी जिसने अपने सरकार से चलने वाली संसाधनों से चलने वाली योजनाओं में आबादी के हिसाब से सबकी मदद की है, आबादी के हिसाब से उनको भी उसका हक दिलाने का काम सरकार ने किया है। जैसे कि अभी ये होता था कि अगर अम्बेडकर गांव बनना है तो ये तय होता था कि जहां दलित लोगों की आबादी ज़्यादा है वही गांव अम्बेडकर बनेंगे। कम से कम हमने लोहिया गांव बनाने में ये बात रखी है कि 20% कम से कम हमारे मुस्लिम लोगों के जो गांव हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह लोहिया आवास, आज़ादी से लेकर के अभी तक जो लोग आवास गाँव में मिलते थे वो 70,000 रुपये मिलते थे, हम 1,45,000 से आज 3,05,000 में दे रहे हैं। और ये निश्चित किया है कि आबादी के हिसाब से सबको मिलेगा, और उसमें भी लोहिया आवास में भी 20% दे रहे हैं, समाजवादी पेंशन में 20% दे रहे हैं, जनेश्वर मिस गाँव उसमें 20% दे रहे हैं, हमारे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें 20% देते हैं, कन्या विधन देते हैं उसमें भी 20%। इसके साथ साथ चाहे हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनानी पड़ी हो, और सवाल ये नहीं किया केवल कब्रिस्तान की बनाई हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है तो अंत्येष्टि स्थलों की भी बनाने का काम किया। अगर हमने ये किया है कि हम हज हाउस बनाएंगे, अगर हज हाउस गाज़ियाबाद में बनाया है नेताजी ने, लखनऊ में बनाया, तो हज हाउस के जगह हमने मान लीजिए भजन के स्थल बनाने का काम किया अयोध्या में, और फैजाबाद में बनने जा रहा है कि कम से कम भजन के लिए स्थल हो। अगर आपके तो ये संतुलन में बना के चले हैं, और तमाम अपनी लाभकारी योजनाओं में उनको शामिल 20% आबादी के हिसाब से दिया है। अगर आपके दल में इतनी जगह है मुसलमान भाइयों बहनों के लिए,
तो जब शिवपाल जी ने कौमी एकता दल का मर्जर कर दिया था उसको क्यों पलट दिया? मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, मैं आज इस अदालत के सामने कहता हूँ मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलो, जो आपने कहा, जो मेरी नाराजगी रही होगी कि आप मेरे को कहते हैं कि मैं शामिल कर लूँ, मैंने कहा शामिल कर लेता हूँ, मैं आपका कहना मान लिया मैंने आज। मेरा कहना, लेकिन आरोप मत लगाना आप कुछ। नहीं, ये तो शिवपाल जी कह रहे हैं। नहीं, आरोप मत लगाना फिर आप मुझ पर। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं शामिल कर लूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर आरोप मत लगाना आप। आरोप तो लगेंगे, यही तो मुश्किल है जब किसी पे मुद्दा नहीं मिलता है। जैसे बीजेपी के पास कोई काम नहीं किया, मैंने कहा पूरा प्रदेश बता दिया, कहीं कोई बड़ा ठोस काम किया हो तो बता दो। और अगर गोरखपुर में किया, वो भी जमीन हमने दी एम्स, वरना एम्स ही नहीं बन पा रहा था। मैं कहता हूं कि जब कोई मुद्दा उन्हें नहीं मिलेगा तो कहीं कानून व्यवस्था है। नहीं, ये तो बता दीजिए, कौमी एकता दल अगर शामिल कर लेते तो कौन से आरोप लगते? देखिए, कौमी एकता दल नेताजी से ही बात हुई, उसके बाद सदन में हमसे भी बात हुई है, तो मैंने कहा कि जो नेताजी का फैसला है वो मैं मानूंगा। नहीं, नेताजी का फैसला तो यही था, उन्होंने तो मर्जर अनाउंस। मैंने आपसे कहा कि जो नेताजी का फैसला होगा मैं मानूंगा। सदन में उनके विधायक मिले थे मुझे, मैंने उनसे कहा कि जो नेताजी का फैसला होगा। चलिए, अगर मान लीजिए फैसला हो जाता है मर्जर करने का, साथ लेने का, तो कौन से आरोप लगेंगे? वो आप, मैं जब हो जाएगा मैं सब चैनल देखूंगा उसके बाद, और मैं सब जितने आरोप लगेंगे मैं आपको भिजवाऊंगा सब। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप है कि वोटों के लिए ये सपने बेच रहे हैं। अब अखिलेश जी, मैं आपसे कोई भी सवाल पूछता हूं, आपने काम गिनाने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं अखिलेश अच्छा लड़का है, बातें भी अच्छी करता है, लेकिन चार साल में कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने अच्छा कहा, और उनका जवाब भी मैंने उसी तरीके से दिया। वो मेरी बात नहीं समझ पाए। उन्होंने मुझे कहा कि अखिलेश अच्छा लड़का है, तो जब मुझे मौका मिला मैंने भी कहा कि राहुल अच्छा लड़का है। लेकिन वो बात मेरी समझ इसलिए नहीं पाए, कम से कम वो अगर मुझे नेता कहते तो मैं भी उन्हें नेता कहता। वो कहते कि हाँ, एक अखिलेश अच्छा नेता है, तो मैं भी कहता कि राहुल बड़ा अच्छा नेता है। और जहाँ तक यूपी की बात है, अच्छा है, वो थोड़ा घूम रहे हैं। उनको दो बात का एहसास हो रहा होगा, एक तो वो कि जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने का उन्हें मौका मिला उनकी पार्टी को, वो गरीबी देखे होंगे, किसान को देखे होंगे, और तमाम परिस्थितियों को उन्होंने अपने आँखों से देखा होगा। और कम से कम हम ये कह सकते हैं, चार साल के अंदर जो काम किए हैं, और मैं गिनाना चाहता हूँ उन सब बातों को, कि कोई भी चीज़ एकदम नहीं बदली जा सकती, लेकिन कम से कम मुझे भरोसा है, और जो रास्ता हमने दिखाया है कि चाहे वो जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने की बात हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात हो, आपके एम्बुलेंसेस को बढ़ाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने की बात हो, आपके जिला अस्पतालों को, इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किया है। किसान दुर्घटना बीमा दे दिया हम लोगों ने, ओलावृष्टि में किसानों की बर्बादी हो गई, नुकसान हो गया, केंद्र सरकार को जो मदद देनी चाहिए थी वो नहीं दी, हमने अपने संसाधनों से 5,000 करोड़ रुपए बांट दिए, और इस सप्लीमेंट्री बजट में भी 2,000 करोड़ उनके लिए रखा है। तो केंद्र सरकार तो नहीं मदद कर रही ओलावृष्टि। राहुल जी तो लिस्ट बना रहे हैं उन किसानों से, कह रहे हैं कि किस किस पर कितना कर्जा है, हमें सूची दे दो, हम सरकार में आएंगे तो कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन वो किस सरकार में आकर के कर्जा माफ करेंगे? सवाल ये है, हमने भी अपने प्रदेश में आकर के, हम प्रदेश सरकार के और प्रदेश की बैंकों का ही तो कर्जा माफ कर सकते हैं। हमने 50,000 तक का कर्जा माफ किया LDP के जो बैंक है उत्तर प्रदेश में, जिन किसानों ने जमीन को रख करके गिरवी रखा था। हाँ, अगर केंद्र की बैंकों में माफ करना है तो उसमें समय लगेगा। मान लीजिए स्टेट बैंक में किसी ने लोन लिया है, पंजाब नेशनल बैंक में लोन लिया है, या किसी राष्ट्रीय बैंक में लोन लिया, प्रदेश सरकार राष्ट्रीय बैंकों का कैसे लोन वापस कर देगी? इसलिए मैं समझता हूँ, एक दिन उन्होंने ये भी कह दिया कि साइकिल उनकी पंचर है, साइकिल का टायर ठीक कर रहे हैं। मेरी जहाँ जानकारी है, जैसे ये किसान को गुमराह कर रहे हैं, वो जानते हैं कि साइकिल में आजकल ट्यूबलेस टायर भी डलता है। वो किसान को नहीं बताना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि साइकिल में ट्यूबलेस टायर भी होता है। वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी खटिया पे बैठे किसान? नहीं, अब मुश्किल ये है कि जो किसान है वो साइकिल पर खाट रख कर ले जा रहे हैं,
ये तो अच्छी बात है। मान लो हम कर साइकिल ठीक करके कैरियर लगा दें दो, और मैं कहूँगा किसको कहाँ बैठना है ये तय कर ले कोई। लेकिन उनकी खटिया क्यों ले जा रहे हैं? खटिया तो इसलिए ले जा रहे हैं कि वो खटिया दे रहे हैं। हालांकि जो गाँव में कहावत तो खटिया के लिए दूसरी है, उसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में कि मैं तो ट्रेनी सीएम था, अब के आया तो काम करके दिखाऊंगा। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि अगर 4 साल में 3 जगह पे मेट्रो बना रहे हों, इतने बड़े पैमाने पे लोहिया आवास दे रहे हों, या हम किसानों के दुर्घटना बीमा दे रहे हों, या सुविधाएँ दे रहे हों, एक्सप्रेस वे बना दे रहे हैं। मान लीजिए हम राजधानी को जोड़ने के लिए, दिल्ली राजधानी को लखनऊ जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बना दिया, आने वाले समय में मौका मिलेगा तो ये गाजीपुर और बलिया को भी जोड़ने का काम करेगा, तो काम और तेजी से हो सकेगा। हमने कम से कम ये रिकॉर्ड बनाए हैं। कई पुल तो ऐसे हैं, एक बीजेपी के कलराज मिश्रा जी कभी मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने शिलान्यास किया, अभी तक वो पुल पूरा नहीं हुआ। और वो मिनिस्टर तो अभी भी हैं, लेकिन वो केंद्र में हैं, अब उनके हाथ में नहीं है वो पुल। हालांकि वो मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक शिलान्यास किया था सैदपुर में, गाजीपुर में पुल, अब वो पुल हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन आपने अगर इतने सारे काम किए हैं तो जाहिर है लोग आपको आपके काम पर वोट देंगे। ये देश और ये हमारा कमाल का भी है, डेमोक्रेसी में भी तमाम चीज़ें होती हैं, इसलिए डेमोक्रेसी में तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, स्मार्टफोन दे दूंगा। अब जनता को हम पे भरोसा है, समाजवादियों पे, कि नेताजी के बारे में तो कहा जाता है कि कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। कम से कम इतने 4 साल में हमने ये भरोसा जताया जनता में कि अगर कोई बात हम कहेंगे तो बांट के भी दिखाएंगे। हमने लैपटॉप बांट दिया, 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, तो उनको पता है कि अगर समाजवादी तो सरकार में आए तो हम स्मार्टफोन भी बांट देंगे, और स्मार्टफोन इसलिए बांट रहे हैं, उस बात को समझना चाहिए। आज किसी भी सरकार के लिए मुश्किल ये है कि उसकी योजनाएं गांव के लोग, गरीब या कोई जानना चाहे तो कैसे जाने, और उस योजनाओं के बारे में अगर फीडबैक देना चाहे तो वो कैसे दे। गवर्नेंस के लिए मैं समझता हूँ अगर उसको बिजली का बिल देना पड़ जाए, उसको एम्बुलेंस मंगानी पड़े, उसको 100 नंबर मिलाना पड़े, और उसको सरकार की किसी योजना के बारे में जानना हो, तो शायद स्मार्टफोन बेहतर होगा, उसको सीधा सीधे सरकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पूरे देश में हर सरकार के पास हर विभाग में एक बजट होता है प्रचार के लिए, कि उस विभाग के जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका प्रचार कैसे हो, उसके लिए बजट किया जाता है। मैं समझता हूँ उस बजट को जो पोस्टर होर्डिंग में और में खर्च हो रहा था, उस तमाम पैसे को इकट्ठा कर करके बचा करके और अपने संसाधनों से अगर स्मार्टफोन दे दिया जाए तो शायद सीधा सीधा सरकार से जुड़ने का आम आदमी को मौका मिलेगा, और ये टेक्नोलॉजी है। मैं ये कहता हूं, में तो ऐसा इंप्रेशन था कि समाजवादी पार्टी टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, कंप्यूटर के खिलाफ है, स्मार्टफोन के खिलाफ है, उसको बदल रहे हैं आप कल्चर? नहीं, वो उस समझाने की बात थी जब कंप्यूटर और ये मोबाइल हिंदी में नहीं चला करते थे। आज टेक्नोलॉजी बदल गई, हिंदी या उर्दू किसी भाषा में आप चला सकते हैं, ये लाभ इसका मिला है। तो शायद टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन लाया है और उस परिवर्तन का हम समाजवादी लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आपके वादों की याद दिलाऊं, फैजाबाद में 31 जनवरी 2012 को आपका जो भाषण था वो मैंने देखा, आपने कहा कि अगर हम सरकार में आ गए तो बिजली भी मुफ्त देंगे, पानी भी मुफ्त देंगे। नहीं, बिजली मुफ्त के लिए नहीं कहा था, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। बिजली हम गाँव को 16 से लेकर 18 घंटे और शहरों को 24 घंटे बिजली देंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से बिजली का इतना इंतजाम कर लिया है कि शहरों को 22 और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार कराएगी, और 14 से लेकर के 18 घंटे गांव में बिजली उपलब्ध करा दी। और अभी जब सदन हुआ था, मैं समझता हूँ 1 या 2 विधायक ने मुझे बिजली पे शिकायत दी होगी, वरना आप पूरी एप्लीकेशन मंगा लीजिए, एक भी विधायक ने बिजली को लेकर शिकायत नहीं की। तो अब जब मोदी जी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने जाएंगे, लोगों से पूछेंगे बिजली मिली, तो क्या कहेंगे लोग? कहेंगे मिली? शायद इस बार वो आकर के वो पुराना भाषण नहीं बोलेंगे, पुराना वाला ये भाषण था, अब उन्हें नया भाषण देना पड़ेगा कुछ। वो सवालों वाला भाषण अब नहीं चलेगा, अब उपलब्धियों वाला भाषण चलना चाहिए। तो आपकी उपलब्धियों पर, कामकाज पर जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपका काम बहुत अच्छा है, एंड यू आर ट्रूली अ ड्रीम मर्चेंट। You are truly a dream merchant.
हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन से थोड़ा अलग, अगर अलग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके काम से हम लोग बहुत बहुत संतुष्ट हैं और हम लोग सिर्फ एज एजुकेशनिस्ट सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, उन्हें बढ़िया एडमिशन्स मिले और हमारी देश तरक्की करे। मैं स्वाभाविक है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उतना इंडस्ट्री आएगी और मेरी प्रयास भी यही है, तभी लखनऊ में इतना कुछ किया जा रहा है। मान लीजिए कैंसर इंस्टीट्यूट होगी, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी। डॉक्टर तरेन हॉस्पिटल बना रहे हैं, 1000 बेड का नौकरी मिलेगी। SCL ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहा है, उसमें नौकरी मिलेगी। मेट्रो का हो रहा है, उसमें नौकरी मिलेगी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, और मैं कह रहा हूँ देश आने वाले समय में ऐसी सड़क बनाएगा जो आगरा लखनऊ बन रही है और जो लखनऊ से गाजीपुर जाएगी और बलिया तक जाएगी, ऐसी सड़कें बननी चाहिए। और इसके आसपास चाहे वो मंडी बन रही हों और चाहे और बिजली का बेहतर काम किया, इसी से जॉब अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे मैं समझता हूँ उतनी नौकरियाँ मिलेंगी। अखिलेश जी, चुनाव का मौका है, कुछ महीने बाद चुनाव में जाना है और चूंकि चुनाव मंच है, आपकी अदालत में इल्ज़ाम लगते हैं, सफाई देते हैं, मैं आपसे यह और पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्यों वोट दे? ऐसा क्या कर दिया आपने, ऐसा क्या करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि समाजवादियों ने जो जो वादे किए वो पूरे किए हैं और कम से कम समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया है। कम से कम हम उत्तर प्रदेश के लोग जो दूसरे प्रदेश के लोगों को उसको कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये काम हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, देश के तमाम बड़े जो उद्योग घराने हैं या जो और बड़े कारोबार करने वाले लोग हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश को अच्छी नज़र से देख रहे हैं और यहाँ कारोबार उनका भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो ये भरोसा अगर समाजवादियों ने दिलाया है, यही खुशहाली का रास्ता है। इसके अलावा रास्ता क्या है? बिजली यहाँ मिलने लगे, यहाँ पर सड़कें अच्छी हो जाएं, यहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे बन जाएं, आपका ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाए, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये आपके वादे हैं, जनता इस पर यकीन कितना करेगी तो जनता जानती है, लेकिन चलते चलते मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रजापति जी वापस आ जाएंगे, ये तो आपने मान लिया, तो क्या शिवपाल जी के विभाग भी उनको वापस मिल जाएंगे? मैं आपके मिलने के बाद मैं उन लोगों को बुलाऊंगा और बातचीत करूंगा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कुछ रास्ता निकालूंगा और रास्ता निकलेगा। आप कह रहे हैं कि जब चुनाव के लिए जनता के, अब मैं ये कह दूं कि मैं उनके विभाग वापस कर दूंगा, मेरा पद आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मैंने जो खोया उसके बारे में आप नहीं बोल रहे, मुझसे क्या चाहिए वो दे दूं। मैं ये कहूँ कि ठीक है आप पद भी रख लो, मैं सब पद वापस कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पद भी मैं दे रहा हूँ आपको, आपके विभाग भी दे रहा हूँ, लेकिन टिकट मैं कम से कम बांटने का हक रखता हूँ, क्योंकि परीक्षा मेरी है, परीक्षा हमारी भी है। अगर पार्टी की परीक्षा है तो परीक्षा मेरी भी है। तो मैं तो नेताजी से ही कहा कि सब कुछ मैं वापस कर दूंगा, हमारा दो न दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कम से कम नेताजी जब टिकट दें तो कम से कम मेरा भी कहना माना जाए, टिकट हमारे रास्ते से भी निकले। तो आप कह रहे हैं कि डील ये हो सकती है कि भाई मैं आपके विवाह वापस कर दूंगा, आप मेरा अध्यक्ष पद वापस कर दो? नहीं, आपने जो सुझाव दिया, मैंने अपना सुझाव दिया है, ये फैसला नहीं है। आपने मुझसे कहा कि ऐसे ही आप विभाग उनके भी वापस कर दोगे, तो मैंने कहा कि जो मुझसे छीना है वो आपने बोला ही नहीं, मेरे मुझसे भी तो कुछ छीना है। वो तो आपका दर्द मुझे समझ आ रहा है क्योंकि रामगोपाल जी ने कहा कि लेने का तरीका भी ठीक नहीं था। खैर, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। मुझसे कोई कुछ मांग ले मैं दे दूंगा, कोई कुछ मांग ले मैं दे दूंगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में अब मांगने वाले तो आपसे मुख्यमंत्री पद मांग लेंगे। हाँ, कोई मांगने वाला अच्छा हो तो शायद मैं वो भी दे दूं। अखिलेश जी, हमने आपसे हर तरह सवाल पूछे और मैं ये बात की खुशी है, आपने बड़ी बेबाकी से मुस्कुराते हुए हर सवाल के जवाब दिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को अखिलेश यादव क्या चाहते हैं ये समझ में आ गया होगा और जैसे चुनाव करीब आता जाएगा कोशिश करेंगे आपसे और सवाल पूछें, आपसे और इल्ज़ाम लगाएं कि आपकी अदालत का ये मुकदमा हमने चलाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। हमारी उम्मीद है, यकीन है
इसी तरह से अखिलेश यादव सवालों के जवाब देते रहें, इल्जाम की सफाई देते रहें, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते रहें। आज का इशू यही खत्म होता है। नमस्कार।